अगर आप ड्रीम इलेवन में टीम लगा लगा के थक चुके हो लेकिन अब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये जो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये खास आपके लिए है। और मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको ड्रीम इलेवन में कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन की कोई टीम नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन के लिए टीम बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण 5 टिप्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप हर बार ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले ये 5 रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी टीम कभी फ्लॉप नहीं होगी और आप हर बार ड्रीम इलेवन से बहुत कुछ अच्छा कमा सकते हैं। और इन 5 टिप्स में से लास्ट की 5वीं टिप्स सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं जाके गलती करते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है आपका खुद का एक्सपीरियंस। ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले आप खुद को सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जिस टीम का मैच हो रहा है उस टीम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उस टीम के बारे में या फिर किसी खिलाड़ी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आपको गूगल या फिर क्रोम जाकर उस खिलाड़ी के बारे में पूरा सर्च करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खिलाड़ी या फिर टीम के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप ड्रीम इलेवन की टीम नहीं बना सकते हैं। नंबर 2 जो पॉइंट आता है ड्रीम इलेवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप हमेशा इन फॉर्म प्लेयर को अपनी टीम में रखें और आउट फॉर्म प्लेयर को, यानी जो प्लेयर बहुत दिनों से फॉर्म में नहीं है, उसको अपनी टीम में मत रखना। बहुत से लोग टीम बनाने के टाइम पे गलती करते हैं कि जो सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, यानी जो बड़े नाम वाले खिलाड़ी होते हैं जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, इनको अपनी टीम में रखते हैं। प्लेयर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, अगर वो फॉर्म में नहीं है तो उसको आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में यशस्वी जायसवाल बहुत ही बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, तो आगे आने वाले आईपीएल में जायसवाल को आपको अपनी टीम से बाहर नहीं रखना है। आगे ड्रीम इलेवन टीम बनाने के लिए नंबर 3 जो पॉइंट आता है वो आता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का। अगर आपकी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन सही नहीं है तो आपकी टीम एकदम खराब है। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत चुने गए हैं तो आपकी टीम में चाहे 9 खिलाड़ी कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना करे, लेकिन आपकी वो टीम आपको जितने पैसे लगे हैं उतने भी पैसे वापस नहीं दिला सकती है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने का सबसे आसान तरीका है, यानी कि दोनों टीमों के जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं उनमें से आपको किसी एक को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है। अगर बात करूँ ड्रीम इलेवन टीम के कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के बारे में तो 70% बार कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन इनके ओपनर या फिर नंबर 3 पे खेलने वाला खिलाड़ी होता है। अब नंबर 4 का जो पॉइंट है वो ऑलराउंडर की भूमिका। ड्रीम इलेवन टीम में ऑलराउंडर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी ड्रीम इलेवन टीम में आपको ऑलराउंडर को मिस नहीं करना है। ऑलराउंडर बैटिंग या फिर बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट दिला सकता है। और कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो ऊपर बैटिंग करते हैं, यानी नंबर 4 या फिर 5 नंबर बैटिंग करते हैं, तो उन ऑलराउंडर को आपको अपनी टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना देना है, क्योंकि वो खिलाड़ी आपको ऊपर बैटिंग से पॉइंट देकर जाएगा और साथ में बॉलिंग से पॉइंट देगा। लेकिन कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो कि निचले क्रम में बैटिंग करते हैं, तो उनके ऊपर आपको इतना विश्वास नहीं दिखाना है। उनको सिर्फ आपको टीम में लेना है, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक उनकी बैटिंग आएगी तब तक आपकी पूरी आवर हो चुकी होंगी, तो वो आपको बैटिंग से ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते हैं। तो अब ड्रीम इलेवन टीम चुनने के लिए लास्ट का 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो ड्रीम इलेवन का 5वां पॉइंट है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सीएसके और आरसीबी का मैच चल रहा है। अब सीएसके के लिए ओपनिंग करने के लिए डी कॉनवे साथ में ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पे आए हैं और आरसीबी के लिए बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद सिराज बॉलर हैं। तो अगर आपने अपनी ड्रीम इलेवन टीम में डी कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को अगर लिया है तो आपको बॉलिंग के रूप में मोहम्मद सिराज को नहीं लेना है, क्योंकि आपको हर बार पता है कि आरसीबी के लिए ओपनिंग स्पेल मोहम्मद सिराज और लोकी फर्ग्यूसन करेंगे। तो आपने जब अपनी टीम में डी कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को लिया है, इसका मतलब आपकी सोच के हिसाब से पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गिरने वाला है और पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं मोहम्मद सिराज और लोकी फर्ग्यूसन, तो इसका मतलब इन दोनों को विकेट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपने दोनों ओपनर्स को रखा है तो आपको ओपनिंग स्पेल कराने वाले दोनों बॉलर को बाहर करना पड़ेगा, और अगर आपने एक ही ओपनर को रखा है तो आपको ओपनिंग स्पेल कराने वाले में किसी एक बॉलर पे चांस लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत बड़ा बन चुका है, तो आगे वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे और मैं आपको 5 पॉइंट के बारे में कुछ ज्यादा समझाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।